बात करेंगे कैबिनेट बैठक की। आज दमोह में मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बता दें कि रानी दुर्गावती की जयंती पर दमोह के संग्रामपुर में बैठक होगी। रानी दुर्गावती सिंहासन कक्ष से प्रेरित पहली ओपन एयर कैबिनेट होने जा रही है और मोहन मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। पहली ओपन एयर कैबिनेट आज होने जा रही है दमोह में। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसको मंजूरी मिलेगी, जिस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद मंजूरी मिलेगी। जिले की जबेरा विधानसभा के सिंग्रामपुर में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी और इसी के चलते पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, सबसे पहले बात करेंगे तैयारियों को लेकर, क्या तैयारियां हैं और कितने बजे ये बैठक आयोजित होने वाली है? देखिए तैयारी है वो सिंग्रामपुर में पूरी कर ली गई है और सिंग्रामपुर में आज आपको पूरी सरकार यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बाद थोड़ी ही देर में यहाँ पर मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, थोड़ी ही दूर कैबिनेट बैठक यहाँ पर होनी है जहाँ पर हम खड़े हैं। इससे थोड़ी सी दूर पर जो है वो मुख्यमंत्री का हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री उतरेंगे, उसके बाद काफिला सीधा चलकर जो है यहाँ पर पहुंचेगा, पहुंचेगा इसी सभा स्थल पर, यहाँ पर जहाँ पर कैबिनेट होना है। यहाँ पर तमाम मंत्रियों के लिए कैबिनेट बनाया गया है, यहाँ पर बैठ के जो है कैबिनेट होगी और तमाम कैबिनेट में जो है वो संग्रामपुर यानी दमोह से लेकर जो है मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ निकलेगा वो सारी चीज़ें देखनी होगी। और खास करके इस जगह को चुनने का उद्देश्य है कि रानी दुर्गावती वीरांगना, रानी दुर्गावती की जो 5वीं जयंती जो मनाई जा रही है उसी के अवसर पर जो है यहाँ पर जो है उनके बलिदान को देखते हुए, उनके जो है पराक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ये जगह का चयन किया ताकि महिला सशक्तिकरण का भी संदेश यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी इस कैबिनेट की बैठक से दे सके। मैं आपको एक तस्वीर झलक दिखा देता हूँ, ये देखिए रानी दुर्गा वीरांगना, रानी दुर्गावती के 500वें जो बलिदान दिवस है उसके अवसर पर ये जो बनाया गया है, संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार तमाम नायकों को, आदिवासी जननायकों को, वीरांगनाओं को और खास करके उन महिलाओं के सशक्तिकरण को दिखाना चाहती है और ये संदेश देना चाहती कि सरकार उनके साथ जो है वो कितनी मजबूती से आइडेंटिफाई उनको करने की लगी है, जो उनकी पहचान है, जो उनकी विरासत है, उनको कहीं ना कहीं इस सरकार विकास के साथ एक संदेश दे रही है। ये देखिए तैयारियां की जो आप बात कर रहे थे, तो तैयारियां देखिए कितने युद्ध स्तर पर है। ये देखिए कि बिल्कुल आलिशान महल की तरह जो है रानी दुर्गावती की वीरांगना का जो इतिहास है, जो उनका गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये तस्वीरें मैं यहाँ से दिखाऊंगा, हमारे कैमरामैन सहयोगी जी दिखाएंगे कि उनका जो इतिहास रहा है गौरवशाली लेके, बचपन से लेके उनके वैवाहिक जीवन, तमाम चीज़ें जो संघर्ष रहा है अंग्रेजों से लड़ने को, सारी चीज़ें तस्वीरों के माध्यम से, अलग अलग पोर्ट्रेट के माध्यम से बाकायदा समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो है ये भव्य पंडाल बनाया गया है, इस डोम के नीचे जो है मुख्यमंत्री अपनी पूरी सरकार के साथ कैबिनेट बैठक करेंगे और इस बैठक के बाद यहाँ से संग्रामपुर से सरकार पूरे प्रदेश को, खासकर दमोह जिले को क्या कुछ देने वाली है वो संदेश यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो तैयारियों की बात आप कर रहे थे वो ये भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई है, उनके पराक्रम को दिखाने की कोशिश सरकार अपने इस विकास के रास्ते के माध्यम से की जा रही है। यहाँ पर यदि बात कर ले तो यहाँ पर व्यवस्थाएं इस तरह से की गई है, यहाँ पर इसके थोड़ी ही दूर जो है अभी मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वीरांगना की एक मूर्ति है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जैसी काफिला उनका आएगा वहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे रानी दुर्गावती को, उसके बाद जो है उनका काफिला सीधा यहाँ पर आके कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद यहाँ पर लाडली बहना जो मध्य प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना की राशि जो है वो मुख्यमंत्री ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। और कल्चर की बात करें तो देखिए पूरे आदिवासी कल्चर्स को दिखाने की यहाँ पर भरसक कोशिश की गई है, उनके रंग, उनके रूप, उनके संस्कार, उनकी जो परंपरा है उनको निभाने की कोशिश की गई। तो पूरी तरह से सरकार जो है वो देखिए विकास की ओर तो है लेकिन जो आदिवासियों की परंपरा और कल्चर है उसको सरकार ने अपने विकास के साथ गढ़ने की कोशिश की है और यही वजह है कि देखिए उस परंपराओं को बखूबी यहाँ पर ये जो आंगन, ये प्रांगण सजाया गया है
पूरा कितनी डेकोरम जो आदिवासियों की कल्चर रहा है, रानी दुर्गावती की वीरांगना का जो उनके विरासत का जो इतिहास रहा है, जो चीज़ें रही हैं उनको देखिए कैसे सजाया गया है। उनकी छतरी जो उनके राजा महाराजाओं की तरह होती है, उनका जो डेकोरेशन का तरीका होता था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई। और तमाम पंडालों के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण के सम्मान के लिए समर्पित मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम लाभकारी हितग्राही योजनाओं को यहाँ पर जो है वो दिखाने की कोशिश इस पंडाल के माध्यम से किया गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखिएंगे तो ये दो बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिसमें वीरांगना रानी दुर्गावती और आदिवासी जननायकों के जो इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उनको बताने की कोशिश यहाँ पर सरकार यहाँ पर कर रही है। तो आज संग्रामपुर दमोह का जो दिन है, आज संग्रामपुर के लिए बहुत बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मध्यप्रदेश सरकार बहुत सारी चीज़ें जो है अपने मध्यप्रदेश के लोगों को देगी। और जब कैबिनेट बैठक होगी तो बेहद अहम खास इसमें ये देखना होगा कि सरकार के पिटारे से, मोहन यादव के पिटारे से क्या कुछ इस खास करके दमोह संग्रामपुर के लिए निकलता है और प्रदेश के लिए सरकार कुमार देने वाली ऐसे बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन और जी जिस तरह की व्यापक तैयारियां की गई हैं और जिस तरह का रूप दिया गया है उससे ये लगता है, और इस बैठक को लेकर भी ये लगता है कि सरकार ग्रामीण अंचलों को विकसित करने के लिए कितनी ज्यादा सजग है, ये चीज नजर आती है। और खास बात, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, अभी बैठक भी शुरू नहीं हुई, उससे पहले आप तैयारियों की हम आपसे बात भी कर रहे हैं, वहां पर मौजूद लोगों से जो तैयारियों में जुटे हुए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जानकारी भी है कि बैठक में मंत्रियों को बैठाने के लिए भोपाल से विशेष कुर्सियां मंगाई गई हैं और जो मंत्रियों को खाना परोसा जाएगा वो बुंदेली व्यंजन परोसे जाएंगे, और क्या कुछ खास रहने वाला है आज, ये चीजें भी जानने की कोशिश करिए। जी हाँ बिल्कुल, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, अभी थोड़ा सा वक्त उनको जो, क्योंकि अंदर जाने के लिए सारी चीज़ें जो है ठीक है वो तैयारी की जा रही है, वो व्यवस्था अभी नहीं हुई है जहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। जो आप बात कर रहे थे वो खास व्यंजन, खास करके जो आदिवासी जो मिलेट्स फूड्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे वक्तव्य में करते हैं वो भी रहेंगे, और खास करके कांसे की थालियों में जो आप कह रहे थे वो मंत्रियों को खाना, मतलब कुल मिला के आदिवासी कल्चर के साथ जो बिल्कुल देसी चीज़ें होती है वो पारंपरिक चीज़ों को यहाँ पर इस पूरी कैबिनेट में देखने को मिलेगा। हर चीज़, जैसा कि मैंने आपको प्रांगण से लेकर सारी चीज़ें बताया कि रानी दुर्गावती और आदिवासी जननायकों के ऊपर किस तरह से यहाँ पर उनके चीज़ों को, उनके पराक्रम को उभारने की कोशिश की गई, तो वही चीज़ यहाँ पर खान पान में भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ कह रही है, उसको मोहन यादव सरकार जो है उसको अपनी चीज़ों में अडॉप्ट भी कर रही, यानी उनकी उसको दिनचर्या में शामिल करके बकायदा संदेश दे रही कि हमारा विकास का एजेंडा सिर्फ वो शहरें नहीं, वो गगनचुंबी इमारतें नहीं, बल्कि गांव का हर ब्लॉक से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक सरकार को पहुंचना है और उनका विकास करना है, उसी का संदेश देने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कॉन्सेप्ट लिया था कि सरकार आपके द्वार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हर जिले वाइज, इसके पहले हमने देखा कि उज्जैन, भोपाल, जबलपुर ऐसे अलग अलग, ग्वालियर, सिर्फ बड़े महानगर ही नहीं बल्कि जिलों वाइज भी, वो ब्लॉक लेवल पर जाके सरकार इस तरह से इन्वेस्टर मीट और कैबिनेट बैठक करके साफ संदेश देना चाह रही है कि सरकार सिर्फ भोपाल से नहीं चलती है, सरकार आपके कस्बे में, ब्लॉक में, गांव में, हर जगह आएगी, वहां की समस्याओं को लेकर, वहां की मूलभूत चीजों को लेकर, और खासकर उद्देश्य की वहां के पोटेंशियल क्या है तमाम जिलों का, वहां के उद्योग जगत को क्या परेशानी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ बेहतर हो। चलिए ठीक है कुमारिंदर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।